जनपद में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने सर्किट हाउस के आगे ई रिक्शा व ऑटो को जाने पर रोक लगाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गोरखपुर में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत 27 से 31 मई तक रामगढ़ताल में रोइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ पुलिस व ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। गेम्स स्थल तक जाने वाले सभी मार्गों पर यातायात पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है और सभी को ब्रीफ किया गया है कि खिलाड़ी वह दर्शक हमारे मेहमान हैं, उनको कहीं पर जाम ना मिले और गेम सेंटर नौकायन तक जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस के आगे ई रिक्शा व ऑटो को पूरी तरह से 27 से 31 मई तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, गोरखपुर में खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी इंडिया गेम्स के अंतर्गत 26 से 31 तक रोइंग और वाटर स्पोर्ट्स गेम्स चल रहे हैं। इन गेम्स में पुलिस व्यवस्था के साथ साथ जो है प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल की तरफ जाने वाले जितने दर्शक और खिलाड़ी हैं उनको जाने वाले सभी मार्गों पर यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी को ब्रीफ किया गया है कि खिलाड़ी और दर्शक को हमारे मेहमान हैं, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, कहीं ना उनको जाम मिले और कहीं भी उनके लिए अपने होटल जाने में अथवा उनको रामगढ़ताल नौकायान गेम सेंटर तक जाने में कोई असुविधा हो, इसके लिए सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। और ट्रांसफार्मर तिराहा और सर्किट हाउस मोड़, इन दोनों जगह से ई रिक्शा और ऑटो की एंट्री आगे के क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दी गई है ताकि खिलाड़ी और दर्शक सुगमता से आवागमन कर सकें और शाम के समय जनता भी नौकायान पर अपने जो है घूमने फिरने का आनंद ले सकें। सर, पार्किंग की व्यवस्था परंपरागत रूप से जो हमारा दिग्विजय नाथ पार्क है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ फोर व्हीलर हैं जब वो पैक हो जाएगा तो उनके लिए गंभीर नाथ प्रेक्षागृह पर जो खाली चारों ओर जगह पड़ी हुई है वहाँ पर उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है, ये भी फिल हो जाएगा तो हम चंपा देवी पार्क पे पार्किंग कराएंगे।